सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक का पांचवा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इस पाठ को भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। यह पाठ आरंभ करने से पहले इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ। इस पाठ में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी खिलौने वाला बनकर आता है तो कभी मुरली वाला और कभी मिठाई वाला बनकर आता है और बच्चों को तरह तरह के खिलौने, मिठाई या मुरलियाँ बहुत ही सस्ते दामों में देकर चला जाता है। तो देरी न करते हुए पाठ को आरंभ करते हैं। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जे पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखक यह कहना चाहता है कि एक व्यक्ति मीठे स्वर में, मीठी आवाज में गलियों में घूमता रहता है और वह कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह वाक्य भले ही अधूरा है लेकिन उसे यह ऐसे विचित्र ढंग से, ऐसे मधुर ढंग से कहता कि जो एक बार सुनता वह अस्थिर हो जाता। अस्थिर का अर्थ है जो स्थिर ना हो, अर्थात एक जगह नहीं रहता। उसके स्नेह भरे कंठ से अर्थात गले से जब कोई गान या गाना निकलता तो आसपास के जितने भी मकान हैं उसमें हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने छतों पर से चीक उठाकर अर्थात एड़ी उठाकर नीचे झांकने लगती कि इतने सुंदर और मधुर गाने गाकर कौन खिलौने बेच रहा है। गलियों में खेलने वाले बच्चे, घरों में रहने वाले बच्चे उसका आवाज़ सुनकर दौड़कर उसके पास आते और खिलौने की मांग करने लगते। यह सब देखकर खिलौने वाला वहीं पर उनके सामने पेटी खोल देता और उनके सामने रख देता। अगला अनुच्छेद, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकान में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि बच्चे खिलौने वाले को देखकर बहुत ही पुलकित अर्थात बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने वाले के साथ मोल भाव करते अर्थात कीमत में कटौती की मांग करने लगते और अपने तोतले आवाज से पूछते कि इसका दाम कितना है और इसका दाम कितना है और इसका दाम कितना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह ठीक से बोल नहीं पाते, उनके मुंह से जो तोतला आवाज़ निकलता है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। खिलौना वाला भी बच्चों को देखता और उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और उनकी जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुसार वह उनको खिलौने दे देता। और जब बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने पा लेते तो वह उछलने कूदने लगते और फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी जो यह आवाज़ है वह सागर के लहर की भांति इस छोर से उस छोर सर
छोर तक चली जाती, अर्थात इस गली से उस गली तक जाती, और इस प्रकार वह खिलौने वाला आगे की ओर बढ़ जाता। अगला अनुच्छेद, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। उसी गांव में राय विजय बहादुर सिंह थे, उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। वे भी एक दिन खिलौने वाले से खिलौना लेकर घर आए। चुन्नू कह रहा है कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तभी सुनकर मुन्नू बोल रहा है कि और मेरा देखो, मेरा भी कितना सुंदर है, मेरा भी किसी से कम नहीं है। अगला अनुच्छेद, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, दो पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि खिलौने पाने के बाद दोनों बच्चे अर्थात चुन्नू और मुन्नू अपने अपने हाथी और घोड़े लेकर घर भर में उछलने कूदने लगे, अर्थात यहाँ वहाँ खेल रहे उन अपने अपने खिलौने से। इन बच्चों की जो माँ है रोहिणी, वह कुछ देर तक इनका खेल खड़े खड़े निहार रही है, अर्थात देख रही है, और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है कि मेरे बच्चों तुमने यह खिलौने कितने में लिए हैं? तब इस पर मुन्नू जवाब देता है कि मैंने यह खिलौने दो पैसे में लिए हैं और इसको खिलौने वाला दे गया है। इस बात का जवाब सुनकर रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो खिलौना वाला ही जाने, लेकिन दे तो गया है इतना तो निश्चय है, इतना तो पक्का है। उसके लिए यह जरा सी बात थी। और फिर इसके बाद रोहिणी अपने घर के काम में लग गई और कभी इस बात पर उसको विचार करने का मौका ही नहीं मिला। उसे क्या फर्क पड़ता है कि यह सस्ते खिलौने क्यों दे गया है, उसे तो बस इस बात से मतलब था कि खिलौने सस्ते में मिल गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करता हूँ कि सबको अभी तक का अनुच्छेद समझ में आया होगा। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।